आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जब आप MX प्लेयर में कोई वीडियो प्ले करते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके से लिखा आता है, जिसमें लिखा रहा है प्लेबैक एरर, योर वीडियो प्लेयर इज अनेबल टू प्ले दिस वीडियो, प्लीज़ डाउनलोड MX प्लेयर टू वॉच दिस वीडियो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है और इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स किया जाए वो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आपको प्लेबैक एरर की प्रॉब्लम आती है तो उसका मतलब ये होगा कि आप जो वीडियो डाउनलोड किए हो वो जो है नॉर्मली ऐप में नहीं चलेगी। ठीक है, बेसिकली हम करते क्या है कि सीरियल हो गई, मूवीज़ हो गई, उसे डाउनलोड करते हैं एक तरह से, वेबसाइट से हो गए, कहीं से भी, लेकिन वो जो मतलब ओरिजिनल होती है वो MX प्लेयर की ओरिजिनल वीडियो होती है। ठीक है, चाहे वीडियो हो, चाहे मतलब कोई टीवी शो हो गया या फिर मूवी हो गई, तो ओरिजिनली MX प्लेयर की होती है और आपको वह उसे MX प्लेयर ऐप में ही देखना होता है। तो सॉल्यूशन इसका यही है कि आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना है, यहाँ से आपको MX प्लेयर सर्च करना है और MX प्लेयर को अपने फ़ोन में इंस्टॉल या फिर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो, और इसे डाउनलोड करने के बाद उस वीडियो को आपको जो है MX प्लेयर में ओपन करना है, MX प्लेयर में चलाना है। इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी, आपकी जो वीडियो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका कोई मतलब ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी MX प्लेयर है तो उस वीडियो को आपको जस्ट MX प्लेयर में ओपन करना है, जो हम फाइल मैनेजर या फिर फाइल मीडिया में जो वीडियो ओपन कर रहे हैं, आपके जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका फाइल मैनेजर है वहाँ पर ओपन ना करते हुए MX प्लेयर में उसे ओपन करना है। इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसका सोल्यूशन है प्लेबैक एरर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।